हम हुसैनाबाद पार्क पहुंच चुके हैं, मेरे नेल्स लग चुके हैं, मैंने ड्रेस पहन लिया है और मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल होना बाकी है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मध्या कुरैशी और आज मैं जा रही हूं, नहीं सॉरी 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 आज नहीं, कल जाऊंगी मैं शूट करवाने। आज इसलिए नहीं क्योंकि अभी रात हो रही है, ठीक है, और कल सुबह मैं जाऊंगी, 9 बजे का टाइम है। तो अब मैंने सोचा कि सुबह सुबह उठूंगी नींद से और नींद वाला चेहरा हो रहा होगा, और फिर जब मैं नींद से उठती हूँ ना तो मुझसे बोला भी नहीं जाता है। तो मैंने सोचा मैं सुबह सुबह इंट्रो कैसे करूँगी, और सुबह सुबह मैं उठूँगी और फिर पार्लर के लिए जाऊँगी, क्या पता मुझे सुबह में देर हो रही हो, आँख ना खुले। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं अभी इंट्रो कर लेती हूँ और फिर बाकी का व्लॉग कल रिकॉर्ड कर लूँगी। सो जी फिर अभी सोते हैं और कल चलते हैं कहाँ, पार्लर पे शूट करवाने के लिए। अभी देख सकते हैं आप मेरा विथआउट मेकअप फेस कैसा हो रहा है। एक मिनट में ग्लासेस भी उतारूँ फिर आप मेरा फेस देख लें। अभी मेरा फेस देख सकते हैं आप, ये मेरा फेस है विथआउट मेकअप, मुझे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ना लिपस्टिक ना पाउडर कुछ भी नहीं, सही है। तो अब देखना जब मैं तैयार होके आऊँगी और मेरा मेकअप हो जाएगा फिर देखना आप मैं बिफोर और आफ्टर दोनों देखना। ये डिनर करते हैं तो ये जी मैंने कुछ ऑर्डर किया है, यहाँ तो ये रोल पड़ा हुआ है मेरा पीछे। ओ भाई इसके अंदर तो बर्फ़ पड़ी हुई है, मैंने बर्फ़ तो नहीं ऑर्डर की थी, क्या चीज़ है यार बर्फ़ क्यों डाली हुई है? मुझे लगता है बर्फ़ इसीलिए डाली हुई है ताकि ये पिघल ना जाए। अभी हम इसको इस तरह से निकालेंगे ताकि सारा कुछ ख़राब हो जाए। मैं भी बोलूँ इतने बड़े पैकेट में मैंने इतना तो कुछ मंगाया नहीं था, है क्या चीज़? ये सारी बर्फ 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 निकली है, देख सकते हैं 1 2 6 बर्फ, और चीज़ें हमारे आइटम 2 हैं और बर्फ और बर्फ 3 नहीं 6 और आइटम 2। वाह तो चलें जी अब खाते हैं, ये इससे खाएं या इससे खाएं? हम इससे खाएंगे क्योंकि हम खाएंगे चीज़ केक, तो चीज़ केक इससे तोड़ेंगे और खाएंगे। मैं भी सोचूं क्या था ये रेड रेड यार, इतना जैम डाला हुआ है, मुझे इतना जैम पसंद नहीं है, मुझे पसंद होता है मैं ब्रेड के साथ ना खाती। छोड़ो इसको अब ये ट्राई करते, ये तो आइसक्रीम है सेम मैकडोनल्ड जैसी यार। भाई ये तो मैकडोनल्ड जैसी है, मज़ा आ गया, आइसक्रीम बेस्ट है। मैंने अब ये आइसक्रीम हमेशा खानी है क्योंकि मैं मैकडोनल्ड्स नहीं जा रही, मैंने बायकॉट किया हुआ है मैकडोनल्ड्स का, तो अब से मैं इन ये क्या नाम है इसका स्वीट क्रीम की ही आइसक्रीम खाऊंगी, क्योंकि ये मैकडोनल्ड्स जैसा टेस्ट है बिल्कुल एज इट इज़ नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक है। तो आप लोग भी ट्राई करना, अगर आपको मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम पसंद है और आप मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम को मिस कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम खाओ लेकिन बायकॉट की वजह से आप खा नहीं पा रहे हो, तो स्वीट क्रीम की खा लो आइसक्रीम, वनीला फ्लेवर, बहुत टेस्टी है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, ठीक है, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिले, मैं दिल से दिल कहाँ है मेरा पता नहीं कहाँ है, दिल से मैं, चलो इधर से ही या दिल बीच में कर लेते हैं हम आज, दिल से आपको सलाह दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। तो फिर मेरा मेकअप देखने के लिए आप रेडी हो? चलो दिखाती हूँ। The next day. यहाँ पे एक मॉडल तकरीबन रेडी हो चुके हैं, अभी उनके नेल्स लग रहे हैं। ये आज ब्राइड बनी है, कैसा लग रहा है ब्राइड बन के? सो अभी ये मेरा बिफोर है, मेरे नेल्स लग चुके हैं, मैंने ड्रेस पहन लिया है और मेरा मेकअप और हेयर स्टाइल होना बाकी है। अभी यहाँ पे एक और मॉडल रेडी हो रही है, ये आप देख सकते हैं, इसके बाद फिर मेरी बारी आएगी, मैं वेट कर रही हूँ मेरी बारी का। यहाँ पर राउंड सही नहीं आता है, अभी मैं लंच करने लगी हूँ, सबने लंच कर लिया है, मैं ही रह गई हूँ एंड में लंच कर रही हूँ।
अभी इंडोर शूट कंप्लीट हो गया है और हम अभी आउटडोर शूट के लिए जा रहे हैं। अभी हम हुसैनाबाद पार्क पहुंच चुके हैं और इस गाड़ी में हम आए थे। जो ब्यूटिशियन है वो भी अंदर बैठी हुई है। उन्होंने हमारा मेकअप किया था, वो भी आगे बैठी थी, फैमिली थी पूरी, तो उनके साथ हम लोग आए। ये पहुंच गए हम लोग। अभी हम दरिया के किनारे जाने लगे हैं, बाकी पिक्चर्स वहाँ पे निकालेंगे। सो गाइस, बस अभी हमारा शूट हो गया है, सो अब हम वापस जा रहे हैं। सो गाइस, अभी वापस पार्लर पे आ गए हैं। इसका ब्राइडल मेकअप हुआ है, मेरा सॉफ्ट लुक हुआ है, सॉफ्ट मेकअप लुक है, और एक और मॉडल है, उनका मॉडल मेकअप हुआ है। सो गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी। सो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की और लुक्स क्रिएट करवाऊँ तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।